गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे, अपना जो लेसन है सुदामा चरित दो स्टैंजास हुए थे बेटे। नेक्स्ट देखो, तो कृष्ण सुदामा के जो पैर है वो अपने आंसुओं से धो देते, वहां तक हुआ था। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत। तो यहाँ पे थोड़ी बातचीत हो गई, फिर दोनों कैसे हालत है वो पूरा पूछ लिए। पूछने के बाद श्री कृष्ण देखते कि सुदामा जो है, यहाँ पे देखो बेटे, उनके बगल में उनके कमर में एक पोटली लटकाए हुए। तो वो देखकर श्री कृष्ण पूछते कि कुछ भाभी हमको दियो। भाभी, भाभी यानी सुदामा की पत्नी। सुदामा को अपने मित्र है मगर भाई मानते, तो भाई की पत्नी भाभी होती ना बेटे। तो यहाँ पे कहने लगे श्री कृष्ण, भाभी हमको दियो, कुछ भाभी हमको दियो, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सो तुम काहे न देत, तुम क्यों नहीं दे रहे हो मुझे। छापी यानी छुपाना, छापी पोटरी खांग में, कमर में, कमर में एक पोटरी तुम छुपा के रखे हो। रहे कहो के ही है तू, क्या तू भी छुपा के रखे हो ये कमर में वो पोटरी में। आगे चना गुरु माता दिए, तो बचपन की याद दिलाने लगे श्री कृष्ण सुदामा की कि आगे चना गुरु माता दये दे। तो जब गुरु माता चने देती थी, अगर मैं नहीं दिखे तो तुम्हारे हाथ में देती थी कि कृष्ण के भी ये चने हैं, उसको दे दो बोल के तुम्हारे हाथ में देती थी। लय तुम चाबे हमें नहीं दिए, तो तुम अकेले खा लेते थे, मेरे हिस्से के भी और तुम्हारे हिस्से के भी, दोनों भी तुम ही खा लेते थे, मेरे को देते भी नहीं थे। तो शायद वो आदत नहीं गई तुम्हारे को बचपन की, ये भी भाभी भेजे सो भी तुम ही खा लेने को रख लिए शायद बोल के, इसलिए वो याद यहाँ पे दिला रहे थे श्री कृष्ण। श्याम कन्हो मुस्काए सुधामा सो, तो मुस्कुराते हुए सुधामा से कहे, चोरी की बान में हो जो प्रवीण। चोरी करने में यानी मेरे जब चने तुम चोरी कर लेके खाए थे ना, चोरी करने में बहुत प्रवीण हो, बहुत एक्सपर्ट हो तुम, तो अभी भी भाभी के द्वारा भेजे गए वो भी तुम चोरी कर लिए, मेरे को दे रहे भी नहीं। पोटरी खांग में छापी रहे तुम, खांग यानी कमर में वो पोटरी छुपा के रखे हो तुम। खोलत नाही सुधा रस भीनी, क्या तू भी भेजा है भाभी ने, ऐसी क्या चीज भेजी है मेरे लिए। जो भाभी ने भेजा बोले तो बहुत अमृत के समान होगा वो, बहुत यानी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा वो चीज, मगर तुम क्यों छुपा के रख रहे हो। पाछली वाणी आजो न तजो तुम, पिछली जो बातें हैं वो अभी तक नहीं भूले, यानी वो आदत जो है पिछली आदत आज तक तुम भूले नहीं। तैसे ही भाभी के तंदुल की नहीं, तंदुल यानी बेटे चुड़वा, चुड़वा बनाने के लिए यूज करते ना, जो पोहा बोलते उसको, तो अटकुलू बोलते तेलुगु में, तो वो जो है इनको बहुत पसंद बेटे, वो दूध में डाल के खाते थे। तो वो जो है भाभी ने मेरे को, भाभी को मालूम है मुझे बहुत पसंद है, तो शायद वो तंदुल भेजी है मेरे लिए जो तुम छुपा के रख रहे हो, मुझे दे रहे भी नहीं। तो यानी यहाँ पे सुदामा जो है बेटे शर्मा रहा, वो इतने बड़े महाराज को मैं थोड़े से तंदुल ले गया, यानी थोड़ा सा चुड़वा ले गया खाली, तो देने के लिए शर्मा रहे, इसीलिए उसको छुपा के रखे, मगर खाने के लिए नहीं, शर्मिंदगी से छुपा के रखे बस। हाँ, वह पुलकानी वह अठी मिलिनी, वह आदर की बात, सब कुछ हो गया, बहुत देर बैठे सुदामा, सब कुछ हो गया, आदर की बात है ना, बहुत आदर से उनको खिलाए पिलाए सब कुछ करे श्री कृष्ण, बहुत अच्छी तरीके से मिले सबको, मिलाए भी, ये मेरे बचपन के दोस्त है बोल के सब कुछ, यानी खुशी खुशी बीत गया वो पूरा समय। वह पटवती गोपाल की, अब विदाई का समय आ गया, यानी चले जाने का समय आ गया, गोपाल यानी कृष्ण से, कृष्ण से विदाई लेने का समय आ गया। कछु न जानी जात, मगर कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे, यानी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी हालत सुना, ऐसा कुछ भी जबान से बोल रहे नहीं श्री कृष्ण। तो इनको थोड़ा गुस्सा आने लगा सुदामा को, मैं उतनी दूर से आया, मेरी पत्नी को, मैंने, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, मगर मेरी पत्नी की वजह से मैं यहाँ तक आया, सब कुछ मेरी हालत देखे भी, मैं बोलना तो दूर की बात, वो खुद देखे मेरी हालत, फिर भी मेरी सहायता करने के लिए रेडी नहीं है, ने कुछ बोल रहे नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा बोल के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कहां भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। अब बोले तो इतने बड़े राजमहल के राजा बन गए, मगर बचपन में क्या थे, बचपन में घर घर का घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। घर घर घूमते थे हम लोग पूरे दोस्त मिलके, वो घर में घुस के चोरी करते थे, ये घर में क्या चोरी करते थे बेटे, मक्खन दही दूध इसकी चोरी करते थे,
तो बचपन में घर घर घूमते थे ये मक्खन दूध दही के लिए, घर घर चोरी करते थे। अब क्या है, इतने बड़े राजा होने के बाद थोड़ा घमंड आ गया शायद कृष्ण को, बोल के सोचने लगे। इन्हों अपने दिल में सोच रहे, हाँ आवत नहीं हुते वही पठियो हैल। तो शायद इनको थोड़ा घमंड आ गया, इतना पैसा दे के राजा बन गए बोल के, इसलिए मेरी मदद करने के लिए एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे हैं। अब कही हो समझाए के, क्या मैं समझाऊं क्या, मेरी मदद करो बोल के मैं रिक्वेस्ट करूं क्या उनको? उनको तो सब कुछ समझ में आ रहा, मैं मुंह खोल के पूछूं क्या? नहीं पूछ सकता ना मैं। बहु धन धरो सकेले, बहुत सारा धन है मेरे सकेले यानी दोस्त के पास, मगर मुझे थोड़ा भी धन नहीं दिया, खाली सुने मगर कुछ भी मेरी मदद नहीं किया श्री कृष्ण ने, बोल के सुदामा वहां से बहुत दिल को दिल दुखी होते होते वहां से निकल गया, द्वारका से निकलकर अपनी गांव गांव को आने लगा। तो आज यहीं पर रोकते हैं बेटे, धन्यवाद।